तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं है यहाँ औरतों का आना मना है? अब बोलती क्यों नहीं? किसके साथ आई हो यहाँ? वो मैं तो बस। तभी पंकज भी पहलवान जी के साथ वहाँ पहुँच गया। नीरव क्यों डांट रहा उसे? मैं लाया हूँ उसे गुरु जी का आशीर्वाद दिलाने। ये कैसा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तुम इस अखाड़े के उभरते हुए खिलाड़ी हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माफी मांगो अपनी भाभी से। नीरव के पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर पंकज वृंदा और नीरव के साथ घर वापस आ गया। घर में जैसे ही मौसी जी को ये खबर लगी, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हे भगवान, बहू तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? माना पंकज तुम्हें वहां ले गया था, लेकिन सबके सामने दांत निकालकर हंसना तुम्हें शोभा देता है क्या? एक मेरी बेटी शोभा है, बिना घूंघट काढ़े अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। घर में रहना तो मुश्किल था ही, अब अखाड़े में भी शांति से प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी। भैया आप उन्हें शहर ले जाओ, मुझे नहीं लगता आपके जाने के बाद वो यहाँ एडजस्ट कर पाएगी। बस कर नीरव, तू समझ भी रहा है तू क्या बोल रहा है? वृंदा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन नीरव तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, वो तो पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। पंकज बेटा, माना कि नीरव थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन उसे इस तरह डांटा मत करो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद वो सबसे ज़्यादा इज्जत तुम्हारी ही करता है। जी पापा। शाम के समय वृंदा किचन में खाना बना रही थी, तभी कमल मुंह लटकाया हुआ वहां आया। अरे कमल, क्या हुआ? आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं भाभी, पंकज भैया ने किताबें खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपए दिए थे और वो मुझसे गुम हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भैया बहुत डांटेंगे मुझे। भाभी आप ही बताइए मैं क्या करूं। अरे तुम परेशान ना हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उनमें से तुम्हें 1000 दे देती हूँ। पंकज को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। वृंदा ने कमल को पैसे दे दिए, लेकिन पैसे लेकर किताब की दुकान पे जाने के बजाय वो मोहल्ले के एक बदमाश और आवारा लड़के मोहन के पास पहुँच गया। तो भाई कमल, ले आया शर्त में हारे हुए 1000 रुपये? हाँ ये लो, और पापा या भैया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया, वैसे मैं तुमको एक और मौका दे सकता हूँ। सोच लो, अगर जीत गए तो मैं 5000 दूंगा तुम्हें। 1000 के 5000, ऑफर बुरा नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। टेल। हे भगवान, टेल आ जाए, उसके बाद मैं ये जुआ नहीं खेलूँगा। लो बेटा, तुम तो फिर हार गए। किस्मत ही खराब है तुम्हारी तो, ये 1000 तो मेरे हुए। अब अगले हफ्ते से पहले बचे हुए 4000 भी ले आना, वरना सीधे तेरे पापा की दुकान पे जाऊंगा उनसे पैसे मांगने। नहीं नहीं, पापा के पास मत जाना, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। 2 दिनों बाद वृंदा को बुखार आ गया और कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। हमेशा की तरह पंकज उसका पूरा ध्यान रख रहा था। परेशान ना हो वृंदा, थोड़ी देर में मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं ले जाना बहू को। मुझे मालूम है बहू को नज़र लगी है, और उसे नैनसुख बाबा के पास ले जाना चाहिए। पंकज इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने शांति से मौसी को समझाने की कोशिश की। मौसी जी, कहाँ आप भी ये बाबा बाबा के चक्कर में पड़ रही है? आज जमाना कितना आगे आ गया है।
हाँ हाँ लल्ला, बोल दे, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, मुझे जैसे अनपढ़ गवार की बात क्यों सुनेगा तू। ले जा जहाँ ले जाना है बहू को, मेरी कोई क्यों सुनेगा। अच्छा अच्छा मौसी जी, आप शांत हो जाइए, ले जाइए वृंदा को आप, लेकिन अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आखिरकार मौसी जी वृंदा को लेकर नैनसुख बाबा के आश्रम पहुंच ही गई। वृंदा वहां आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। बिल्कुल चिंता ना करो बहू, बाबा जी एक झटके में तुम्हारा नजर उतार देंगे और तुम शाम तक दौड़ने लगोगी। आश्रम के अंदर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे जो बाबा जी से कोई ना कोई समाधान मांगने आए थे। अरे अरे, आप कहाँ जा रही है, यहीं बैठिए और नंबर लगवाइए। भैया, मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, हमें बाबा जी से मिलना है, अगर देर हुई तो ये मर भी सकती है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अरे शेरू, क्या हुआ, इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो। बाबा जी, एक औरत आई है अपनी नई बहू को लेकर, बोल रही है मुझे पहले मिलना है। नई बहू, भेजो भेजो, उसको ही पहले भेजो। क्या होने वाला था वृंदा के साथ, जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।